Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So, आज हम English में क्या करेंगे? English की class में he और she का use करेंगे. He किसके लिए use होता है और she किसके लिए use होता है? वो आज मैं आपको explain करूँगी. तो आपको ध्यान से सुनना है, okay? तो start करते हैं. हम he और she ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? तो ही किसके लिए? ही बॉय के लिए, और मैन कोई भी होते हैं उनके लिए किसका यूज होता है? ही का यूज होता है. और शी किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए या कोई भी वुमेन लेडी के लिए शी का यूज होता है. ओके, तो जो गर्ल होगी और वुमेन होगी तो उनके लिए किसका यूज होगा? शी का यूज होगा. और जो बॉय होगा तो उसके लिए और मैन होगा उसके लिए ही का यूज होगा, है ना. जैसे कोई भी आपकी क्लास में आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जैसे जसमीत है तो वो लड़का है तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे. आपके पापा हैं तो वो भी मैन है तो उनके लिए भी हम ही का यूज करेंगे, है ना. तो कोई भी गर्ल है जैसे दिया है तो वो गर्ल है ना एक, तो उसके लिए हम शी का यूज करेंगे. और जो आपकी मदर है, आपके टीचर है, है ना, तो उनके लिए हम शी का यूज करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करें. हम स्टार्ट करते हैं. आई डैश है पहले, तो नंबर वन में डैश लगाया है मैम ने. आई एस ए आर आई वाई ए रिया, डैश इज रिया. तो इसमें क्या आएगा, ही आएगा या शी आएगा? रिया किसका नेम होता है? बॉय का नेम होता है या गर्ल का नेम होता है? रिया तो गर्ल का नेम होता है, तो गर्ल है ना. तो क्या गर्ल के लिए हम किसका यूज करते हैं? एस एच ई शी का यूज करते हैं. एस एच ई शी का यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर एच ई शी. तो क्या हुआ हमारा सेंटेंस? शी इज रिया. शी इज रिया. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डैश, फिर आई एस एस ए एम आई टी अमित. डैश इज अमित. तो अमित क्या है, गर्ल का नेम है या बॉय का नेम है? अमित तो बॉय का नेम है ना. तो बॉय के लिए हम किसका यूज करते हैं? एच ई ही का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? एच ई ही का यूज करते हैं. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एच ई ही. एच ई ही इज अमित. ही इज अमित. ओके, शी इज रिया, ही इज अमित. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आई एस इज अ जी आई आर एल गर्ल. तो हम गर्ल के लिए किसका यूज करते हैं? गर्ल के लिए अभी आपको मैम ने बताया था, गर्ल के लिए हम शी का यूज करते हैं. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एस एच ई शी. क्या लिखेंगे? एच ई शी इज अ गर्ल. शी इज अ गर्ल. She is a girl. Okay. She is Riya. He is Amit. She is a girl. Okay. Next है dash I S is A B O Y boy. So dash is a boy. Is किसके लिए use करेंगे हम? Sorry, boy के लिए हम किसका use करेंगे? Girl के लिए she का, और boy के लिए H E he का use करेंगे. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? H E he. H E he. He is a boy. He is a boy. She is Riya. He is Amit. She is a girl. He is a boy. Okay. तो हमारे पास next है number 5 पे dash I S A M Y M I A U N T aunt. A U N T aunt. तो aunt क्या है?
मैन है या वुमेन है? वुमेन है ना, तो वुमेन के लिए हम किसका यूज करेंगे? शी और सॉरी गर्ल और वुमेन के लिए हमें हमने किसका यूज करना है? शी का यूज करना है, बताया ना मैं हमने पहले भी। तो हम वुमेन है, आंट तो आंटी तो वुमेन ही होती है ना, तो हम इसके लिए एस ई शी का यूज करेंगे। किसका यूज किया है हमने? एस एस सी शी, शी इज माय आंट। ओके, नेक्स्ट है डैश आई एस टी एम वाय माय एस आई एस टी ई आर सिस्टर, डैश इज माय सिस्टर। तो डैश इज, डैश में हम क्या लिखेंगे? सिस्टर क्या है, गर्ल होती है या बॉय होता है? सिस्टर तो गर्ल होती है, गर्ल होती है ना, तो जो गर्ल होती है उसके लिए किसका यूज करते हैं? शी का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ भी? एस एच ई शी, एस एच ई शी। नेक्स्ट है डैश आई एस ई एम वाई माय एस ए एस टी एच ई आर, डैश एच एम वाई माय एस A T S E R, that is my father. Father क्या है? Boy है ना? Woman है ना? Woman तो नहीं है, man है ना? Boy और man के लिए हम किसका यूज करेंगे? He का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? H E he, H E he, he is my father, he is my father. Okay, next है dash I S is a and U R S E nurse, dash is a nurse. तो nurse क्या होती है? Man, woman है ना, क्या होती है nurse? तो woman ही होती है ना, man तो नहीं होती है। तो वुमेन के लिए हम किसका यूज करेंगे? वुमेन के लिए हम शी का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एस एस ई शी, शी इज अ नर्स, शी इज अ नर्स। ओके, तो फर्स्ट से शी इज रिया, शी इज अमित, शी इज अ गर्ल, शी इज अ बॉय, शी इज माय आंट, she is my sister, he is my father, she is a nurse. Okay, ये तो हमने किया है अपना इंग्लिश में he और she का यूज। किसका यूज किया है हमने? he और she का यूज। एक बार आज हम क्या कर देते हैं, करते हैं लर्न करवाते हैं आपको, ऑपोजिट लर्न करवाते हैं। तो ऑपोजिट लर्न करवाने के लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ ऑपोजिट, ताकि आपको लर्न हो जाए। फुल, फुल का क्या होता है? एम्प्टी। फुल का ऑपोजिट क्या होता है? फुल, एम्प्टी। फुल, एम्प्टी। फुल, एम्प्टी। और एम्प्टी का फुल, एम्प्टी का फुल, एम्प्टी, फुल, फुल, एम्प्टी। ओके, एम्प्टी की स्पेलिंग क्या होती है? ई एम पी टी वाई, एम्प्टी। ई एम पी टी वाई, empty, E-M-P-T-Y, empty, okay? Next कहता है same, same मतलब एक जैसे चीजें, तो same, different, okay? different, same, next है dirty, dirty, clean, dirty, clean, dirty, clean, next है fast, slow, fast, slow, okay? Next है open, shut. Next है stop, start, okay? नेक्स्ट है हमारे पास में फैट।
slim, fat, slim, fat, slim. Okay, next is for strong, weak, strong, weak, strong, weak, strong, weak. Okay, next, light, dark, dark, light. Next, first, last. Next, old का क्या हो जाएगा? Young, old. Next, soft, hard. Thick means होता है मोटा. Thick means होता है मोटा और thin means होता है पतला. Thick, thin. अब few मान लो ये मेरे पास कुछ है ना, तो ये क्या हो गए? Three हो गए, तो बहुत सारे हो गए ना, तो many, few. ओके, तो ये हमारे क्या है, ऑपोजिट में मैंने आपको लर्न करवा दिए और प्लस आपको शीशी का यूज बताया है. तो आपको ये सब सारे क्या करने हैं, लर्न करने हैं और अच्छे से अपना वर्क करके मैम को सेंड करना है. ओके, बाय बाय, टेक केयर.